नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री डी के वाई में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास की एक शानदार पुस्तक जिसके लेखक बी एल ग्रोवर अलकमेत यशपाल हैं। यह 36वां संस्करण है। यशचंद पब्लिकेशन की पुस्तक है ये। 1707 से आधुनिक काल तक शुरुआत होती है इसकी। ये रहा पुस्तक का बैक कवर, आप देख सकते हैं यहाँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शानदार तरीके से लिखा गया। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं ये विषय सूची रहा। मैं आपको बारीक से दिखा देता हूँ जो आपको दिक्कत ना हो, देख लीजिएगा आप। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तक की खासियत बहुत अच्छी है। पुस्तक की ये नेहरू युग, स्वतंत्रता युग का प्रथम चरण, इसके बाद आधुनिक भारत साहित्य कलात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, फिर परिशिष्ट चालू होता है आपका 507 पेज से 601 तक। फिर आपको यहाँ पे साथ में मैप भी मिल जाएंगी, मानचित्र। आपको पेज नंबर 40, 72, 94, 114, 126, 150, 152, 192, 240, 577, 578 में आपको मानचित्र मिल जाएगा। ये पुस्तक की आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है लेखक के द्वारा। आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तक में। दोस्तों इस पुस्तक की खासियत क्या है, इसमें गवर्नर जनरल की व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के कार, वॉरेन हेस्टिंग के विदेश संबंध, ये मैप है आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से भी लिखा गया है इसमें। ये भी एक अच्छे जाने माने राइटर माने जाते हैं बी एल ग्रोवर। कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार आप देख सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि प्रणाली, वेलजली आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंध का विलय कैसे हुआ, मैं आपको और जूम करके दिखा रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी पुस्तक है ये। दोस्तों इस पुस्तक में 1861 का भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम, साथ में जितने एक्ट पारित हुए हैं 1892 का हो चाहे आपके लिए, या फिर 1909 का माल्य मिंटो सुधार, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। पुस्तक में चुने हुए विचार, 1919 का भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, प्रथम पंचवर्षीय योजना भी इसमें दिया गया है। आज़ादी के बाद भारत स्थिति कैसी थी, भारत की आधुनिक भारत में साहित्य क्या महत्व, संस्कृति या गतिविधियाँ, ये आप देख सकते हैं। बांग्ला साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, पंजाबी साहित्य, ये परिशिष्ट दिया हुआ। भारतीय विद्रोह पर काल मार्क्स के विचार आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर ये परिशिष्ट दिया हुआ है। अच्छे प्रतिष्ठ यहाँ पे काफ़ी दिया हुआ है। आप राष्ट्रीय प्रतीक देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज के परिमाण, राष्ट्रगीत, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में दिया हुआ है।
राष्ट्रीय फूल। बहुत बढ़िया पुस्तक है ये दोस्तों। यह पुस्तक यूपीएससी मेंस यूपीएससी प्री के लिए बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, साथ में एनटीए नेट के लिए भी यूजफुल पुस्तक मानी जाती है। इसमें आपको आपको 1800 एक्ट पढ़ने का, जो 1861 का एक्ट हो, अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ में गवर्नर जनरल या वायस राय के कौन से कार्य आपको मिलेंगे, जो कि आपको किसी पुस्तक में अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा, जो कि बिल ग्रोवर में आपको मिल जाएगा। और ये पुस्तक में ज़्यादा डीप दिया हुआ है, कुछ में कुछ कुछ टॉपिक डीप में भी नहीं दिया हुआ गया है। और साथ में इसमें एक खासियत यह है पुस्तक की, चुने हुए विचार दिए गए हैं चैप्टर के बाद उनके कार्यों का। दोस्तों मेरी राय में यह पुस्तक जो कोई यूपीएससी तैयारी करे उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, और साथ में एनटीए नेट के लिए भी अच्छी पुस्तक मानी जाती है ये। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।